हे गाइस, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं कस्टम टेक रिव्यूज। तो फाइनली फायरबोल्ट ने अपनी और एक यहाँ पे स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है। फायरबोल्ट थंडर स्मार्ट वॉच यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। साथ ही इसमें आप लोग को एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विथ यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग का भी फीचर देखने को मिलता है। तो क्या आप लोगों को 5000 के अंदर अंदर ये स्मार्ट वॉच लेना चाहिए, सारी बातें बिल्कुल डिटेल तरीके से यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड गाइज, अगर कॉन्टेंट पसंद आता है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बढ़ते वीडियो की तरफ। वॉच के लुक एंड फील की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग को मेटालिक फ्रेम देखने को मिल जाता है। सर्कुलर डिज़ाइन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है। वॉच के स्ट्रैप्स की बात करें तो 22mm वाला यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाते हैं, जो आप लोग डेफिनेटली आफ्टर मार्केट चेंज यहाँ पे कर सकते हो। एंड गाइस, फिजिकल ओवरव्यू की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो राइट साइड में आप लोग को दो बटन्स देखने को मिल जाते हैं। एक को आप लोग प्रेस करके ऑन ऑफ कर सकते हो और दूसरे को प्रेस करोगे तो आप लोग वर्कआउट मोड्स में डायरेक्ट जा सकते हो। बैक साइड की तरफ आए तो यहाँ पे आप लोग कुछ सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं एंड चार्जिंग पिन्स देखने को मिल जाते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे वॉच के बिल्ट की बात करो तो काफी ज्यादा प्रीमियम सा यहाँ पे फील आप लोग को होने वाला है। एंड गाइस, आप बात करते हैं इसके हाइलाइट्स के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्प्ले की बात करना चाहूंगा। यहाँ पे आप लोग को 1.32 इंच का यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसकी रेजोल्यूशन की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो 360x360 PPI रेजोल्यूशन यहाँ आप लोग को देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा शार्प है, काफ़ी ब्राइट है। अगर आप लोग यहाँ पे आउटडोर कंडीशन में भी यूज़ कर रहे हो तो उतनी ज़्यादा आप लोग को दिक्कतें नहीं होगी। अगर एकदम डायरेक्ट सनलाइट आपके वॉच पे पड़ रहा है तो थोड़ा बहुत आप लोग को यहाँ पे शेड लेना पड़ सकता है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे वॉच के जो डिस्प्ले की बात करूँ तो हल्की सी मुझे इसके जो बेजल्स है थोड़े से ज़्यादा लगे। अगर और कम बेजल्स होते तो और भी ज़्यादा प्रीमियम आप लोग को फील ला कर ये देता। इसमें आप लोग को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आप लोग यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ करोगे तो फिर आप लोग का रेस टू वेक यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो ये आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। एंड गाइज, वॉच के प्रोटेक्शन की बात करते हो यहाँ पे आप लोग को IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो अगर आप लोग इसको पहन के शावर वगैरह लेना चाहते हो या फिर आप लोग का बारिश वगैरह में ये भीग जाता है तो डेफिनेटली ये सर्वाइव कर जाएगा। टॉकिंग अबाउट बैटरी लाइफ, तो कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि आप लोग को यहाँ पे 10 दिनों का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे 4-5 दिनों के यहाँ पे यूजेज में मेरे हिसाब से आप लोग को मैक्सिमम 2-3 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आप लोग ब्लूटूथ कॉलिंग देखने को मिलती है। डेफिनेटली अगर आप लोग ब्लूटूथ कॉलिंग को ऑफ करके रखते हो तो आप लोग को 5-6 दिन आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आप लोग को HR सेंसर देखने को मिलते हैं, SPO2 मिल जाता है, साथ ही इसमें आप लोग को एक्सेलेरोमीटर सेंसर भी देखने को मिलता है एंड यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर सेंसर भी इन लोगों ने प्रोवाइड करा है। HR सेंसर की बात करूँ तो काफ़ी हद तक यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट लाकर देता है। अगर यहाँ पे मैं ऑक्सीमीटर से कंपैरिजन इसकी करूँ तो एंड SPO2 के लेवल यहाँ पे 97-99 के बीच में ही यहाँ पे दिखाता है, तो आप लोग इससे एक रफ आइडिया लगा सकते हो। डेफिनेटली अगर आप लोग एक मेडिकल हेल्थ इशू फेस करो तो डेफिनेटली डॉक्टर या फिर मेडिकल जो इक्विपमेंट आते हैं उन पर रिलाई कर सकते हो, ना कि कोई स्मार्ट वॉच पर रिलाई कर सकते हो। मैं बॉडी टेम्परेचर सेंसर की बात करूँ तो वो भी काफी हद तक यहाँ पे एक्यूरेट से रिजल्ट ला कर दे रहा है। UI काफी हद तक इसका जो फायरबोल्ट अल्ट्रॉन स्मार्ट वॉच मैंने रिव्यू करा था उसी के जैसे यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है। ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे अगर आप लोग स्वाइप करोगे तो आप लोगों को कुछ शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएंगे एंड नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे, और राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो आप लोगों को कुछ शॉर्टकट्स अगेन देखने को मिल जाएंगे, लाइक कितने स्टेप्स आप लोगों ने कवर करा है, कितना डिस्टेंस आप लोगों ने कवर करा है, कितनी कैलोरी आप लोगों ने बर्न करी, वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। हार्ट रेट मिल जाता है, प्लस यहाँ पे SPO2 वगैरह मिल जाता है, वेदर देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल भी देखने को मिलता है। तो UI की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो UI मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ लगी। हालांकि मेरी यूजेज के अकॉर्डिंग जब आप लोग नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करोगे तो हल्का सा वहाँ पे आप लोग को जिटरनेस फील हो सकती है, बाकी ओवरऑल डिस्प्ले का जो UI है काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। इसका और एक हाइलाइटिंग फीचर की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो इसमें आप लोग ब्लूटूथ कॉलिंग देखने को मिल जाती है एंड कॉलिंग की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली वॉच से ही कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग को डायल पैड देखने को मिलता है, रिसेंट जो आप लोगों ने कॉल करा है वो सारे यहाँ पे आप लोग कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पे आप लोग ऐप के थ्रू अपने कुछ फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे सेव करके रख सकते हो, तो ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ रहती है। डायरेक्टली अपने वॉच के थ्रू ही आप लोग कॉल वगैरह कर सकते हो। सो गाइस, अभी मैं आप लोग को कुछ कॉल सैंपल सुनाने वाला हूँ तो आप लोग को एक अंदाज़ा लग सकता है कि इसकी कॉल क्वालिटी कैसी रहती है। इसमें आप लोग को बिल्ट इन माइक एंड स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, अभी जो आप लोग यहाँ पे ऑडियो सुन रहे हो वो मेरे फायरबोल्ट थंडर से रिकॉर्ड हो रही, तो आप लोग को यहाँ पे अंदाजा लग सकता है कि किस तरह से यहाँ पे कॉल क्वालिटी रहती है। यहाँ पे मैं स्लीप ट्रैकिंग की बात करूँ तो वो भी काफी हद तक एक्यूरेट डेटा यहाँ पे ला कर देता है, कितने देर आप लोगों ने डीप स्लीप लिया, कितने देर आप लोगों ने लाइट स्लीप लिया, सारी डेटा आप लोगों को यहाँ पे वॉच में देखने को मिल जाती है। अगर आप लोगों को ज्यादा डिटेल देखनी है तो आप लोग इसके ऐप में जा सकते हो, द फिट करके ऐप आता है, काफी सिंपल मिनिमल सा ऐप आप लोगों को देखने को मिलता है।
साथ ही ऐप की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो आप लोग कुछ कुछ सेटिंग्स को वहाँ से टॉगल कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं वॉच फेसेस की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पे आप लोग कस्टम वॉच फेसेस भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप लोग को 128 MB की यहाँ पे स्टोरेज देखने को मिलती है, तो आप लोग यहाँ पे 25 से 30 गाने अपने वॉच के अंदर ही सेव कर रख सकते हो और अपने वॉच में आप लोग TWS वगैरह अपना कनेक्ट करके बिल्कुल यूज कर सकते हो। मॉर्निंग वॉक वगैरह में जा रहे हो आप लोग, अगर फोन अपना कैरी नहीं करना है तो डेफिनेटली वॉच के थ्रू आप लोग गाने वगैरह यहाँ पे सुन सकते हो। तो ये काफ़ी एक हैंडी सा फीचर रहता है। इसमें आप लोगों को 30 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, जिसकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो काफ़ी हद तक एक्यूरेट से डेटा ला कर देता है, बट जो प्रीमियम जो वॉचेस आते हैं उनके जैसे एक्यूरेसी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है और कॉलिंग स्मार्ट वॉच में अभी तक मैंने जितने भी टेस्ट करे हैं उनमें जो एक्यूरेसी है उतनी ज़्यादा टॉप नॉच देखने को नहीं मिलती। बट स्टिल आप लोग एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि आप लोगों ने वर्कआउट के दौरान कितनी कैलोरीज वगैरह आपने बर्न करा, तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। को ब्रीदिंग एक्सरसाइज का एक टॉगल देखने को मिलता है, तो अगर आप लोग स्ट्रेस वगैरह फील कर रहे हो तो डेफिनेटली इसको ऑन करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो। प्लस इसमें आप लोग को बिल्ट इन दो गेम्स देखने को मिलते हैं, तो आप लोग फ्री टाइम में डेफिनेटली खेल सकते हो। फायरबोल्ट के मोस्टली सारे ही वॉचेस में आप लोग को बिल्ट इन गेम्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन वाले पार्ट में, तो क्या आप लोग को 5000 के अंदर अंदर ये स्मार्टवॉच लेना चाहिए। 5000 इसके लॉन्च प्राइस होने वाली, डेफिनेटली इन फ्यूचर इसका प्राइस बढ़ने वाला है। कंज्यूमर के जो भी रिक्वायरमेंट है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है फायरबोल्ट, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी यहाँ पे डील ये हो सकती है। 5000 के अंदर अंदर अगर आप लोग एक AMOLED स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो तो इसे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आप लोग को कॉलिंग वगैरह नहीं करना है एंड AMOLED स्क्रीन वगैरह चाहिए 5000 के अंदर अंदर, तो आप लोग फायरबोल्ट के और भी ऑप्शंस हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर गाइस ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी से और एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट गाइस।